सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग। एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो अभी अभी एक ब्लॉग एंड किए हैं और ये स्टार्ट किए हैं। तो जैसा कि दिखा है उसमें फ्रॉक, तो अभी माँ गई हैं पूछने के लिए उनके पास कि वो ड्रेस ले ली हैं या नहीं। अगर नहीं ली, क्योंकि बताना ज़रूरी है, अगर नहीं ली होंगी तो अच्छा है कि फिर उस पैसे का वो कुछ और भी कर सकती हैं, है ना। हम क्योंकि हम लोग ड्रेस ले चुके हैं, बर्थडे गर्ल जैसा ही ड्रेस है वैसा पहन सकती हैं वो। और अगर ले चुकी होंगी तो कोई बात नहीं, फिर भी तो गिफ्ट तो देना ही है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी गई हैं माँ पूछने, उसके बाद पता चलेगा। बहुत ही सुंदर मेरे को फ्रॉक लग रहा है, बहुत। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा ये फ्रॉक। बट थोड़ा सा मायूस हो गए हैं कि हेयर बैंड नहीं मिला, वरना मेरा बहुत मन था कि इसका सेट हेयर बैंड होता तो और अच्छा लगता, बट नहीं मिल पाया। देखे बट नहीं मिला, क्योंकि बोले जैसा मुहर्रम था तो सारा दुकान बंद था और बर्थडे कल ही है, फिर अभी आज जाना पॉसिबल हो नहीं पाएगा, वो बाज़ार बंद रहता है तो कुछ नहीं हो सकता। अब नहीं होगा, नहीं होगा। अरे किसी का बर्थडे कैसा लग रहा है? तुम्हारा ही है, दो साल तक ले पहनेगी। छोटा नहीं, काल है ना, काल है, काल नहीं, नहीं आज देगी, काल खरीदेगी, नहीं पहना देगी। हाँ आज सुबह नहा के पहना लेगी। अच्छा लग रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। हो गया खुशी का, खुशी खुश रहो। खाली बोलते हैं खुशी खुश रहो, बहुत फंसती है। खुशी खुश हो जाओ, गिफ्ट मिल गया। सो गाइस, अभी हम आए हुए हैं छत पे, एकदम शाम का टाइम हो रहा है। मौसम अच्छा किया हुआ था तो सोचे थोड़ा देर बैठें, अच्छा लगता है, थोड़ा देर बैठ कर फिर हम नीचे चले जाएंगे। देखते हैं, बारिश हुआ है आज खूब, बहुत सारा बारिश हुआ है बहुत टाइम तक, सोचे तो दिन भर हुआ है, अभी छूटा हुआ है। तो चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए। गुड मॉर्निंग गाइस, तो ये सुबह का क्लिप है। तो आज फिर है सोमवारी, तो सोमवारी के दिन मंदिर जाते ही हैं, तो वहीं पे जा रहे थे। तो यहाँ पे हम कर रहे थे, आलता लगा रहे थे एक सुहागन को, मतलब अगर पूजा करें या कुछ शुभ काम करें तो ये सब लगा के करना चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे लगा रहे थे। और मेरी सासू माँ तो व्रत करती हैं सोमवारी का, तो वो व्रत की थी। हम अभी व्रत नहीं करते हैं, शादी के पहले किया करते थे, बहुत टाइम किए हैं, स्कूल टाइम से ही करते थे, फिर बीच में छूट गया था, तब तक अभी तक तो नहीं किए हैं, फिर देखिए कब स्टार्ट करते हैं। और आज बहुत फटाफट से लगा रहे थे आलता, क्योंकि जल्दी जल्दी से जाना था मंदिर। और देखिए यहाँ पे पूजा हो चुका था, माँ पूजा कर रही थी यहाँ पे, तो हम सोचे आप लोग को मंदिर भी दिखा देते हैं। और उसके बाद हम पूजा किए थे, उसके बाद माँ के करने के बाद, तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से पूजा कर रहे थे। और ये सूट कैसा लग रहा है बताइएगा, ये वही वाला सूट है जो हम लेके आए थे उस दिन, आप लोगों को दिखाए थे, वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा आप लोग। बहुत सारा कपड़ा लेके आए थे अपने लिए, तो उसी में से ये एक था, तो वही हम पहन लिए थे न्यू सा, और चूड़ी भी डाल लिए थे जो मेरे पति देव दिलाए थे वो। हो चुके हैं रेडी मंदिर जाने के लिए, और आईज में बहुत स्वेलिंग है ना, रीजन बताएंगे अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को रहने देते हैं, पूजा पाठ वाला वीडियो और जो भी होता है, नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे कि क्यों है मेरे आईज में इतना स्वेलिंग, देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। बहुत ट्राई किए हैं कि ना दिखे, बट पूरा दिख रहा है। चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू रहे, अभी जा रहे हैं मंदिर। आज है सोमवारी, तो हम हर सोमवारी को मंदिर जाया करते हैं, तो इस बार भी जाएंगे। और आज खुशी का बर्थडे भी है, अगर वो उठ गई होगी तो विश भी कर देंगे। तो चलिए कंटिन्यू रहिए ब्लॉग पे। सोम
समझ नहीं आ रहा है कि बर्थडे है यार। हाँ हैप्पी बर्थडे खुशे। नहीं समझ में आ रहा ना, अगले साल आएगा। इस साल नहीं समझ में आएगा। समझ आएगा कि नहीं। सो हे गाइस, आ गए घर। पूजा वगैरह करके खुशी को भी इसलिए कर दिए और बैक कैमरा करने की जगह फ्रंट कैमरा कर दिए थे, तो मेरा ही इस तरीके से फेस आ गया, बट कोई नहीं। और अच्छा लगा, खुशी भी बहुत छोटी है इसलिए बोला था समझ में आ रहा है कुछ की जन्मदिन है। इस साल तो नहीं आएगा, अगले साल या उसके अगले साल जरूर आ जाएगा, 2 या 3 साल की होगी। तो चलिए नाश्ता बना लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया है 6:45। तो क्या बनाएं, देखते हैं क्या बनाते हैं। सोच रहे हैं चना का सब्जी बना देते हैं और रोटी पराठा जो बनाना है वो बना देते हैं। और ये वही वाला सूट है जो हम खरीद के लाए थे, दिखाए होंगे आप लोगों को। तो चलिए पहले पानी पी लेते हैं, प्यास लगा। गाइस हम बनाने जा रहे हैं चना का सब्जी, तो उसके लिए आलू काट ले रहे हैं और ये मिर्च डाल ले रहे हैं। और हर ब्लॉग में बताते हैं कि बिना लहसुन प्याज का बनाते हैं, तो बिना लहसुन प्याज का बनाते हैं। तो चलिए आलू कट करके उसके बाद। मसाले को इस तरीके से बना लिए हैं पानी डाल के, और यहाँ देखिए मिर्च काट लिए हैं और इसमें इतना गरम मसाला डाल रहे हैं। चना का सब्जी, ये भगवान हम डर गए कि क्या काट रहा है। देखिए आजकल ये क्या कर रहा है। और गाइस कमेंट आया था आलू का चोखा का जो रेसिपी है वो शेयर करने के लिए, जल्दी ही करेंगे। उस दिन इसलिए नहीं कर पाए कि हम कुछ वो रेसिपी नहीं कि बस थोड़ा एकदम सिंपल सा नमक तेल डाल के जो बनता है वो बनाए थे उसने, तो इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर पाए थे, बट जल्दी ही करेंगे। वेट करिए, कल मंगलवार को पक्का, आज मंडे है कल पक्का। फिर यहाँ सेवई बन गया था और इधर हम रोटी सेक रहे थे। रोटी घर पे खाने के लिए होता है और पराठा ले जाने के लिए नाश्ते में, तो रोटी पराठा ये सब सब्जी वब्जी बनाने के बाद यहाँ पे हम पैक कर रहे थे नाश्ता जल्दी जल्दी से, क्योंकि आज माँ का व्रत था वरना डेली वो पैक कर देती हैं नाश्ता, तो इसलिए आज हम पैक कर रहे थे। और आज नाश्ते में देखिए क्या क्या था, आलू चना का सब्जी, सेवई और पराठे। उसके बाद लंच उंच देने के बाद सब लोग चले गए थे, फिर हम यहाँ थोड़ा सा बर्तन था, सोचे वो हम जल्दी से धो लेते हैं, निपटा देते हैं इसको, क्योंकि फ्री हो जाएंगे, नहीं तो फिर ये सब काम रह जाता है तो फिर यही समय लगना पड़ता है। इसलिए हम जल्दी जल्दी से सोचते हैं कि किचन का काम निपटा दें ताकि और हम अपना काम कर पाएँ, वीडियो का काम कर पाएँ। इसलिए जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सकता है हम किचन का काम निपटा देते हैं। हो चुका है सब, जल्दी जल्दी से निपटा चुके हैं और गए लोग ड्यूटी भी। तो अभी देखिए आज हम टीका दिखाना भूल गए, मंदिर में लगा, अच्छा लग रहा है ना। तो आज पंडित जी बैठे हुए थे, देखे लगा रहे हैं तो मेरे को भी लगा दिए।
तो गाइज कैसा लगा ये छोटा सा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड जितना 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 हो सके शेयर करिएगा गाइज। जल्दी से 4K कंप्लीट करा दीजिए, 3K तो कंप्लीट हो चुका है, 4K कंप्लीट करा दीजिए। और अगर आप मेरा मेन चैनल जिस पे हम फोटोशूट स्टाइल वगैरह मेकअप ये सब शेयर किया करते हैं वो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जो राधा रजवंशी नेम से वो चैनल है, मेरा पहला चैनल वही था तो वो भी कर लीजिए। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना चाहते हैं, मेरा रील्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं, राधा राजवंशी नेम से एक है एंड rajvansi.clicks से है, तो आप ज़रूर वहाँ भी फॉलो करिए तो अच्छा लगेगा, सब जगह हम लोग जुड़े रहेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, बाय बाय, टेक केयर।